हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉप लॉस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज का मार्केट काफी पॉजिटिव था। कंप्लीट पॉजिटिव मार्केट, पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था मार्केट। और जिस हिसाब से आज की ओपनिंग थी, और ओपनिंग के साथ जिस हिसाब से मार्केट ने अपना जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए एक रजिस्टेंस था, जो मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस भी किया था, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है तो शायद हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए था 18,000 और 18,050। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था मार्केट में। और लगभग आज के सेशन की अगर बात करें, मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही इसी रेंज के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, मीन एक सपोर्ट लिया। और मार्केट ने सपोर्ट के साथ ही उसी वही लेवल से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया। अगर मैं कल की बात करूं, या फिर आज का सेटअप, जो आज जिस हिसाब से निफ्टी ने आज काम किया, निफ्टी में जिस हिसाब से आज का जो ट्रेड हुआ, अगर उसकी बात करूं तो सबसे तौर पे अगर आप देखो यहाँ पे, ये हमारे लिए अभी कल के सेशन के लिए एक इमीडिएट तौर पे सेकंड एक इमीडिएट तौर पे एक सपोर्ट की ध्रुव की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। तो अगर मैं ओके तो ये रहा, अभी कल के लिए हमारे लिए इमीडिएट तौर पे सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। और कल के सेशन अनदर इम्पोर्टेंट लेवल बन के आएगा लगभग हमारे लिए, ये वाला लेवल, राइट। ओके सो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, 18,000 18,050 ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा कल के सेशन के लिए। और जिस हिसाब से आज मार्केट ने एक मोमेंटम प्ले किया, मार्केट ने इसी रेंज के पास का सपोर्ट लिया, और सपोर्ट के साथ ही अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू किया। जैसे अपसाइड जा रहा था, मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किया, जो कि लगभग था 18,100 का लेवल, 18,125 का लेवल। मार्केट ने हम एक सेकंड सेकंड रजिस्टर, जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स था, वहां से मार्केट ने फिर से एक मोमेंटम गेन किया, एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के साथ फिर से अपसाइड मोमेंट की, और मोमेंटम के साथ 18,200, ये हमारे लिए अभी कल के सेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट लेवल बन गया है। अगर मार्केट कल ये लेवल ब्रेकआउट कर जाता है, तो ब्रेकआउट के साथ मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो शायद हमें कल के सेशन में 18,300 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। कल वीकली एक्सपायरी भी है, और वीकली एक्सपायरी के कारण शायद तक हमें दोनों साइड के मूवमेंट देखने मिल सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है, तो शायद हमें 18,300 18,400 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने जो इमीडिएट तौर पर जो सपोर्ट था 18,100 का लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है, और ब्रेकडाउन के साथ अगर मार्केट यहाँ सस्टेन कर जाता है, तो शायद तक हमें 18,000 और 17,900, ये इमीडिएट तौर पे हमें एक मीन्स यहाँ तक के नीचे की तरफ टारगेट देखने मिल सकते हैं। जिस हिसाब से मार्केट ने नीचे की तरफ अगर आप देखो, यहाँ देख सकते हो, ये हमारे लिए इमीडिएट तौर पे सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के लिए मेक और ब्रेक लेवल बन के आएगा 18,200 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है, तो शायद हमें काफी अच्छे मोमेंटम देखने मिल सकता है निफ्टी में। और रही बात डाउन साइड, अगर मार्केट इमीडिएट तौर पे जो सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है, तो शायद हमें 18,000 18,050 तक के लेवल कल के सेशन में देखने मिल सकता है। सो ये लेवल जो बता रहा हूँ, ये मार्केट तो चलेगा, और उस हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप फॉलो करते हुए इस लेवल के आसपास जब भी मार्केट आता है, और आपका सेटअप अगर आपको अलाउ करता है कि यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर डाटा की बात करो, डाटा यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी काफी पॉजिटिव है, अगर कंपेयर करूँ बैंक निफ्टी के साथ। तो जिस हिसाब से आज पुट ऐड हुए हैं, ये कम्प्लीटली इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव नेस है मार्केट में। और साथ ही साथ जिस हिसाब से कॉल वाइंड अप हुए हैं, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पॉजिटिविटी मार्केट में अभी कंटिन्यू रह सकती है। तो अगर मैं ओवरऑल डाटा की बात करूं, तो ओवरऑल डाटा यहाँ पे क्लियरली बता रहा है। हाँ ओके, तो ओवरऑल डाटा की बात करूं, ओवरऑल डाटा भी यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल बन के आएगा 1800 का लेवल, 1800 1100 का लेवल। मैं इसको अगर क्लियरली करूं अच्छे से, तो ओके तो मेक और ब्रेक लेवल बन के आएगा हमारा, जो कि एक जहाँ पे कॉल रेटिंग पुट रेटिंग इक्वली है, और जहाँ पे हमारी क्लोजिंग में 18,200 का लेवल,
अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए जो इम्पोर्टेंट तौर पे रजिस्टर्ड मार्केट फेस कर सकता है लगभग 18,300, ये एक अच्छा खासा रजिस्टर्ड मार्केट फेस कर सकता है। या आप देख भी सकते हो अच्छा खासा कॉल बिल्डअप हुआ है उस साइड में। और उसके बाद रहेगा 18,350 का लेवल। तो ये लेवल हमारे लिए कल के लिए एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा, राइट। अगर मार्केट इस लेवल और ये लेवल के नीचे ट्रेड करता है और इमीडिएट जो पे जो सपोर्ट बन के आ रहा था मार्केट के लिए लगभग 18,150 का लेवल अगर ब्रेकडाउन कर जाता है और इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो शायद हमें इसके नीचे के लेवल भी देखने मिल सकते हैं, 18,100 और 18,050 तक के लेवल कल के सेशन में देखने मिल सकता है। ये हमारे लिए एक सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। तो इस लेवल के आसपास मार्केट आता है तो आप एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन या फिर आप जो भी सेटअप फॉलो करते हो उसको फॉलो करते हुए आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और रही बात अपसाइड की, तो अपसाइड में ये लेवल है, ये लेवल को मार्क करते चलेगा और जब भी इस स्टेज के आसपास आता है तो सिमिलर प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो डेट्स इट, थैंक यू, लेट्स सी टुमारो व्हाट्स हैपन, गुड डे।